Hi everyone, welcome back to my yet another realistic review video. In this video, I am going to be doing a face off between these two face washes. These are very popular face washes by the brand Simple, and these are non-comedogenic, non-fragrance, non-alcohol and no artificial color and fragrance and no soap formula face washes that are very popular and very suitable for acne prone, sensitive or any kind of skin. If you want to know the main difference between these two and if you can buy this or not, if I can recommend it to you, then please watch this video till the end. And without much further ado, let's get quickly started. सो सिंपल इज़ अ ब्रांड जो कि यूके का नंबर वन फेशियल स्किन केयर ब्रांड है, जो कि नायका पे सबसे पहले इंडिया पे लॉन्च हुआ था. एंड उनके प्रोडक्ट सिर्फ नायका पे ही अवेलेबल थे फॉर द स्टार्टिंग, एंड नाउ दे आर अवेलेबल ओवर Amazon टू. तो उनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो क्रुएल्टी फ्री हैं, वेगन है, नॉन कमेडोजेनिक है, कोई भी आर्टिफिशियल उसमें फ्रेगरेंस और कलर नहीं होता. सो दैट्स वाई दे आर सूटेबल टू एवरी स्किन टाइप, इवन द सेंसिटिव स्किन टाइप टू. अगर आपकी एक्ने स्किन है या फिर एक्ने प्रोन है, सेंसिटिव स्किन है, तो ये वाले सारे प्रोडक्ट सिंपल ब्रांड के आपको आराम से सूट करेंगे. इसमें कोई भी हार्श केमिकल्स ऐड नहीं किए हुए हैं. ऑल्सो दियर प्रोडक्ट्स आर 100% सोप फ्री, तो उनके अंदर सोप के जैसा कुछ भी केमिकल, हार्श केमिकल नहीं डाला हुआ, ताकि आपकी एक्ने प्रोन एंड सेंसिटिव स्किन को भी ये सारे प्रोडक्ट सूट कर जाए. प्राइस के मामले में दिस इज वेरी अफोर्डेबल, इवन बोथ ऑफ द क्लेंजर्स आर वेरी अफोर्डेबल. इनका MRP 325 rupees है फॉर 150 ml ऑफ द प्रोडक्ट, बट ये आराम से सेल में आपको 220, 250, 260 की रेंज के आसपास दोनों मिल जाते हैं, Amazon से भी और नायका से भी. सो बेसिकली इट्स अ मॉइस्चराइजिंग वन, तो आपको इसके नाम से ही पता लग जाना चाहिए. इट इज़ फॉर वेरी ड्राई और काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन स्किन के पर्सन को ये ज़्यादा अच्छी लगेगा, क्योंकि इसके अंदर एक दो लाइक थोड़े से इंग्रेडिएंट्स का फर्क है इससे. एंड इसके अंदर काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो आपके फेस पे एक मॉइस्चराइजेशन की लेयर छोड़ देते हैं रेजिड्यू की तरह आफ्टर डूइंग द फेस वॉश. ऑन द अदर हैंड, दिस रिफ्रेशिंग वन इज वेरी सूटेबल टू नॉर्मल स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन एंड ऑयली स्किन. तो ये टाइप्स के जो स्किन है जिनकी, वो ये वाला ट्राई कर सकते हो. दिस इज वेरी जेंटल ऑन योर स्किन, बिल्कुल भी स्ट्रिप नहीं करता आपकी स्किन को फेस वॉश करने के बाद, एकदम स्क्वीकी क्लीन नहीं करते हैं ये दोनों ही. लाइक आपको जब फेस वॉश आप इन दोनों से करोगे, आपकी स्किन को बहुत ही सप्पल एंड बहुत ही मॉइस्चराइज महसूस होगा, अपार्ट फ्रॉम अदर फेस वॉशेज जो काफ़ी आपकी स्किन को ड्राई कर देते हैं, ड्राई पैचेस क्रिएट कर देते हैं ऑन द नेम ऑफ स्क्वीकी क्लीन. बट ये भी काफ़ी अच्छे से स्क्वीकी क्लीन कर देते हैं इफ़ यू आर यूजिंग दिस. एंड अगर आपको लगता है कि दे आर डूइंग नथिंग, बिकॉज दे आर वेरी जेंटल ऑन योर स्किन एंड दे डोंट स्ट्रिप आउट योर स्किन. दोनों ही प्रोडक्ट्स के अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं दैट आर प्रो वाइटमिन B5 एंड वाइटमिन ई, बट इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट जो मेन है वो है बिसाबोलोल. दैट इज अ मेन इंग्रेडिएंट जो आपकी जो स्किन है उसको काम रखता है, काफ़ी मॉइस्चराइजेशन का इफेक्ट देता है, जो इसके अंदर एक चीज़ एक्स्ट्रा है. एंड इसके अंदर ग्लिसरीन भी ऐड की हुई है. ऑन द अदर हैंड, इसके अंदर बिसाबोलोल एंड ग्लिसरीन नहीं है. सो टू शो यू द रियल टेक्स्चर, मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है ऑलरेडी, एंड इस साइड पे मैं ये रिफ्रेशिंग फेशियल वॉश लगाऊंगी एंड इस साइड पे ये मॉइस्चराइजिंग वाला, ताकि आपको मैं रियल इसकी टेक्स्चर्स दिखा सकूं. सो फर्स्ट आई एम अप्लाइंग दिस एंड यू कैन सी द रियल टेक्स्चर ऑफ द प्रोडक्ट. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, एकदम ट्रांसपेरेंट इन कलर विद नो फ्रेग्रेंस एंड नो कलर, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जेल लाइक टेक्स्चर है. ऑन द अदर हैंड आई हैव दिस मॉइस्चराइजिंग वन. अरे रुक जाओ भाई, सारा खराब हो गया. सो इसकी जो कंसिस्टेंसी है एकदम मिल्की है, मिल्की शाइनी वाइट कलर की, इसकी एकदम ट्रांसपेरेंट है विद नो कलर एट ऑल. इसके अंदर जैसे होता है शाइनी काइंड ऑफ पार्टिकल्स होते हैं या क्या होता है, एकदम मिल्की कलर है इसका, वाइट कलर का. सो मैं इसकी आपको लेदर बना के दिखा देती हूँ. सो यू कैन सी जो मॉइस्चराइजिंग वाला है उसकी काफ़ी लादर एकदम से क्रिएट हो गई क्रीम जैसा, लेकिन जो जेल लाइक है वो थोड़ा स्लाइमी इन टेक्सचर है. दोनों की ही लादर ऑलमोस्ट एक जैसी है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है. अगर मैं टेक्सचर्स की बात बताऊँ वाइल
मेकिंग द लादर। इसकी जो टेक्सचर है जो रिफ्रेशिंग वाले की वो काफ़ी स्लाइमी है, और जो मॉइस्चराइजिंग वाले की है वो नॉर्मल जैसे हमारे फेस वॉश होता है, बट स्टिल अभी मेरे फेस पे इतना ज़्यादा वाटर नहीं है तो इसलिए मुझे बहुत बहुत ही थिक लग रही है इन दोनों की कंसिस्टेंसी। बट अगर आप मोर वाटर ऐड करोगे तो वो थोड़े से थिन हो जाते हैं इवेंचुअली। सो हैव अ लुक। काफ़ी जो रिफ्रेशिंग वाले की भी लादर है वो काफ़ी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल भी लादर क्रिएट नहीं करता। ऑन द अदर हैंड लेट मी जस्ट क्विकली ऐड सम मोर वाटर ऑन माई फेस एंड आई विल क्विकली बी बैक। सो आफ्टर एडिंग सम मोर वाटर आई एम बैक एंड दिस इज द कंडीशन राइट नाउ। दोनों की ही बहुत अल्ट्रा ज़्यादा लादर नहीं क्रिएट करने की टेंडेंसी है, दोनों ही एक जेन्युइन सी नॉर्मल सी लादर क्रिएट करते हैं ऑन योर फेस एंड दोनों में ही कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है। दैट्स व्हाट आई टोटली लव अबाउट देम कि आपको कोई भी फ्रेग्रेंस बॉदर नहीं करती व्हाइल यू आर अप्लाइंग दिस। दिस इज माई स्किन लुक्स लाइक। दोनों ही जो फेशियल वॉशेस हैं वो काफ़ी रिफ्रेश कर देते हैं आपके स्किन को एंड काफ़ी अच्छे से क्लीन कर देते हैं। यू विल फील कि आपका स्किन काफ़ी क्लीन हो गया है। बट येस इफ़ यू हैव डन योर मेकअप एंड आफ्टर दिस अगर आप इन दोनों ही क्लेंजर्स से अपना फेस वॉश करोगे, ये दोनों ही केपेबल हैं अच्छे से आपका फेस क्लेंज करने के। बट मैं क्या करती हूँ कि जब भी मैं मेकअप करती हूँ मैं इनके दो बार लाइक फेस वॉश करती हूँ बिकॉज दे आर टू जेंटल एंड समटाइम्स हो सकता है अगर आपने कुछ हैवी मेकअप किया हुआ है तो वो काफ़ी अच्छे से क्लीन ना हो। अगर आप दो बार फेस वॉश नहीं करना चाहते हो तो मेक श्योर आप कोई माइसलर वाटर या फिर मेकअप रिमूवर या बाम वगैरह कुछ यूज़ कर लें, उसके बाद आप इनमें से कोई भी फेशियल वॉश से अपना फेस वॉश कर सकते हो। सो आफ्टर द फेस वॉश इज़ डन लेट मी क्विकली गो थ्रू माई स्किन एंड दोनों ही तरफ काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज्ड स्किन लग रहा है। नथिंग इज़ फीलिंग लाइक ड्राई और कोई ऑयली या ओवर ग्रीजिंग ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों ही साइड मेरा प्रॉपर क्लीन हो चुके हैं एंड दोनों ही बहुत ही सॉफ्ट एंड सपल लग रही हैं लाइक इफ़ आई एम टचिंग माई स्किन। सो इवन इफ़ यू आर स्माइलिंग लाइक वाइड स्माइल भी अगर आप कर रहे हो तो बिल्कुल भी कुछ ड्राइनेस एंड ऑल महसूस नहीं होता आपके स्किन को। स्किन इज़ फीलिंग वेरी वेरी रिफ्रेशिंग एंड बहुत ही सपल एंड बहुत ही यू कैन सी काफ़ी अच्छे से क्लीन हो चुकी है स्किन और काफ़ी सप्पल एंड काफ़ी सॉफ्ट लग रही है। सो देयर इज नथिंग लाइक ड्राई पैचेस एंड ऑल। आप बिल्कुल भी ड्राई पैचेस या कुछ भी फील नहीं करोगे आफ्टर यूजिंग एनी ऑफ देम। एंड यस अगर आप दोनों में से मेरा फेवरेट कोई पूछोगे तो दिस विंस एंड यू ऑलरेडी नो इट बिकॉज दिस अकॉर्डिंग टू माई स्किन मेरी स्किन कॉम्बिनेशन काइंड ऑफ है, बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं है बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं है। सो इट्स इन बिटवीन। ये वाला फेशियल वॉश मुझे लगा था ये काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइजेशन का इफेक्ट देता होगा फेस वॉश करने के बाद, बट ऐसा मुझे कुछ भी नहीं लगा, दोनों सिमिलर ही देते हैं। और अगर टेक्सचर की बात करें तो आई लव दिस टेक्सचर द मोस्ट। इसका एकदम जेल टेक्सचर है और बहुत ही ट्रांसपेरेंट इन कलर है, कोई कलर कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, इवन इसमें भी ऐसा कुछ है नहीं, इसकी बस मिल्की काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी एंड टेक्सचर है जो मुझे इसकी ज़्यादा अच्छी लगती है। सो इफ़ यू आर काइंड ऑफ माई स्किन टाइप या अगर आपकी लाइक कॉम्बिनेशन काइंड ऑफ स्किन है और थोड़ी बहुत ड्राई और थोड़ी बहुत ऑयली काइंड ऑफ ऐसी कुछ है या ज़्यादा ऑयली भी है तब भी ये वाला फेस वॉश यू लव इट अगर आप इसको यूज़ करते हो। दिस इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल, ईजिली अवेलेबल इन मार्केट। आपको 250 का 150 ml ऑफ प्रोडक्ट मिलता है जो कि काफ़ी बजट फ्रेंडली प्राइस है। अगर हम कंपेयर करें काफ़ी हाई एंड फेस वॉशेस का तो इतने प्राइस में इतनी अच्छी क्वांटिटी बहुत ही कम फेस वॉशेस की है, और उसके साथ दे आर गिविंग यू द फ्रेग्रेंस फ्री एंड क्रुएल्टी फ्री सोप फ्री फॉर्मूला और नॉन कमीडियोजेनिक तो है ही, तो यू विल नॉट केयर अबाउट क्लॉगिंग द पोर्स। और आपको एक्ने प्रोन स्किन होने के बावजूद इतने सस्ते में इतना बजट फ्रेंडली जो अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, मुझे इससे अच्छा फेस वॉश इस रेंज में मुझे कोई नहीं लगता। सो इफ़ यू आर फेड अप यूजिंग अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट यूजिंग अ लॉट ऑफ फेस वॉशेज और आपको अभी तक कोई अच्छा फेस वॉश नहीं मिला है फॉर योर एक्ने प्रोन और योर सेंसिटिव स्किन, योर सर्च विल एंड ऑन दिस। एंड दिस वीडियो इज ट्रूली नॉन स्पॉन्सर्ड बाय एनी ऑफ द सिंपल ब्रांड और anyone even. So this video is truly from my honest experience and review. So ये दोनों ही face washes मैंने try किए हैं, ये वाला बहुत ज़्यादा और ये अभी भी I think आधा use कर लिया है मैंने। That's why I'm making this video to show you the real difference between both of these products. Even though
दे से कि इन दोनों में इंग्रेडिएंट का डिफरेंस है, बट आफ्टर एप्लीकेशन मुझे कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा दोनों में, क्योंकि ये साइड भी मेरी जितनी मॉइस्चराइज है ये साइड भी मुझे उतनी ही मॉइस्चराइज लग रही है. मे बी दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ माई स्किन टाइप, बट आई डोंट नो. अगर आप ट्राई कर सकते हो तो आप दोनों कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर आपको कोई ज़्यादा सस्ता मिलता है या आपको कोई फेवरेट है ये ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप दोनों में से कोई भी ट्राई कर सकते हो. इसमें कुछ खास मुझे डिफरेंस एप्लीकेशन के बाद तो नहीं लगा. एंड आप इसको दोनों टाइम यूज कर सकते हो. इवन आप लाइक अगर आप कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हो फॉर योर एक्ने, लाइक रेटिनॉल और कोई भी बेंजोल पेरोक्साइड टाइप ऑफ कोई क्रीम जो आपके एक्ने ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, उसके साथ भी ये फेस वॉशेस बहुत ही अच्छे से जाते हैं, बिकॉज दे आर वेरी वेरी जेंटल और ये आपकी स्किन पे कुछ भी एक्स्ट्रा इफेक्ट नहीं करते हैं. दीज आर ट्रूली meant for just facial cleanse. So that was all about the difference between these two face washes. And yeah, I hope आपको ये content अच्छा लगा होगा. अगर आपको ऐसे और honest and real opinions देखने हैं about the skincare, because I love skincare and मैं काफ़ी स्किन केयर के प्रोडक्ट्स ट्राई करती रहती हूँ. आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो विद सम अनदर फेस ऑफ चैलेंज और मे बी सम अनदर रिव्यू. टिल देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई रियली अप्रिशिएट इफ यू डू. एंड या आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.